टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 4, लीनियर इन इक्वेशंस। फॉर क्लास 10th, फॉर आईसीएसई, फ्रॉम ML अग्रवाल। फॉर सेशन 2023 24, फॉर बोर्ड एग्जाम 24। अब चैप्टर का नेम क्या है? लीनियर इन इक्वेशन। लीनियर, यस अर्नव, व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर? लिखना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर? Sir, I don't know. डोंट नो। मीमांसा, Sir, in a line. लीनियर मीन्स एनीवन। रूहानियत, नैन्सी, सत्यम, सारिका, स्तुति, श्रुति। Sir, in a straight line. नो A बच्चे, straight line, sir. नो बेटा। Sir, लीनियर का what is वैसे, connected to? लीनियर का मीनिंग होता है वैसे ठीक है स्ट्रेट लाइन, बट यहां पे मीनिंग क्या है? डिग्री वन। और डिग्री वन का मीनिंग क्या होता है? हाईएस्ट पावर वन। इक्वेशन में हाईएस्ट पावर वन। एंड इन इक्वेशन का मीनिंग, एक तो होता है इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन 8th क्लास में किया था, 9th में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन किया था, ना? यस और नो, याद है? अब यस सर। हमारे पास इन इक्वेशन है बेटा। इन इक्वेशन का मीनिंग ग्रेटर, लेसर, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये ग्रेटर का सिंबल होता है, और लेस देन और इक्वल टू, ये चार सिंबल आएंगे। ये किसका सिंबल? ग्रेटर का। व्हाट इज द सिंबल दिस नेम? ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। व्हाट इज दिस सिंबल? लेस देन, मतलब उस तरफ मुंह खुला है ना, तो ये सिंबल किसका हो गया? लेस देन का। और ये लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, जहां जब साथ में एक डंडी लग जाएगी, दैट इज कॉल्ड लेस देन और इक्वल टू। अब जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे ना हम 8th क्लास में, हमें एक सिंपल सी इक्वेशन दे दी, 2x+4 = 7। हम यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड करते थे, ना? यस और नो? यस सर। सत्यम, यस यहां से कैसे फाइंड होगा? सर। 7 -2, 7 -2, स्टेप बाय स्टेप, यस सर। 2x = 3 2x=3, एंड एक्स और इज एक्स थ्री बाय इक्वल थ्री टू बाय टू अब वही चीज सेम टू सेम हमें ऐसे आ जाएगी, ग्रेटर देन 7 या ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। हियर 2x > 2, सेम मेथड से 4 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, 2x > 3 एंड x = 3/2, ये आ जाएगा। ये इसका सॉल्यूशन है, और इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। पे इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। अब उससे पहले बच्चे कुछ रूल्स होते हैं इसके अंदर। रूल्स कैसे हैं? अगर नेगेटिव साइन आ जाए, जो वेरिएबल वाली टर्म है, अगर उसमें नेगेटिव साइन आ जाए, मान लो ये इक्वेशन को मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये ऐसे है -2x + 4 > 7, -2x अपने प्लेस पे, -7, 4 उस साइड जाके माइनस, -2x > 3। अब जब x लिखेंगे ना बेटा, एक बार -x रख लो, सिर्फ 2 को उस साइड लेके जाओ, तो 2 कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, जाएगा ना? यस और नो? तो उस यस टाइम बेटा जो नेगेटिव साइन है, जब इस साइड लेके आएंगे, तो जो ग्रेटर का सिंबल है वो लेस का हो जाएगा, और यहां -3/2 हो जाएगा। ये चीज थी बच्चे एक तो।
ये ध्यान रख, इसमें ये रूल फॉलो करना है, अंडरस्टूड? समझ नहीं आता। ओके सर, एक बार फिर से समझा लीजिए कुछ लास्ट नहीं, वाला। ये चीज समझ ये आती है ना, यस सेम, बस ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल साथ साथ चलता रह गया, सेम प्रोसेस सेम मेथड, जैसे ये सॉल्व किया वैसे ये सॉल्व किया, बीच में ये सिंबल था वही रहा, इसमें चलो मैं ग्रेटर इक्वल टू का सिंबल भी डाल देता हूं, यहां पे तक वैसे ही करना है, ये स्टेप भी वही, ये स्टेप भी वही, फोर उस साइड जाके माइनस हुआ, थ्री आ गया, उसके बाद मैं सिर्फ टू को नीचे लेके जाऊंगा, अगर माइनस की टर्म आती है ना, तो जैसे यहाँ पे प्लस में थी तो मैं सीधा टू नीचे ले गया, अब यहाँ माइनस टू एक्स है ना, तो माइनस को अपनी प्लेस पे रखो, ग्रेटर देन इक्वल टू टू मल्टीप्लाई था, नीचे चला गया, चला गया ना, इस स्टेप के बाद जब नेगेटिव साइन को उस साइड लेके जाना है, तो उस टाइम ये जो सिंबल है ग्रेटर का सिंबल लेस में चेंज हो जाएगा, अगर लेस का होता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे ऐसे सिंबल होता तो क्या हो जाता है, ग्रेटर में चेंज हो जाता, ग्रेटर में हो जाता उल्टा हो ऐसे जाता है, समझते हैं। समझ आया बच्चे? बस नेगेटिव साइन का रोला यस चक्कर पड़ता है इसमें, और कोई सी चीज का चक्कर नहीं पड़ता। वन मोर थिंग, जैसे 7 ग्रेटर देन 2 है बेटा, अगर इनका रेसिप्रोकल कर दूंगा मैं तो भी सिंबल चेंज हो जाएगा, अंडरस्टूड? खुद सर, सोचो कहां 1/7 पार्ट, कहां हाफ, हाफ ग्रेटर होगा ना 1/7 पार्ट से, 7 ग्रेटर देन 2 है, अगर रेसिप्रोकल सर करेंगे तो सिंबल चेंज, एक टाइप से यही हो गया कि 7 को नीचे ले गए, इस साइड 2 को नीचे ले गए, तो 1/2 ग्रेटर हो गया ना, अंडरस्टूड? कुछ ही है इसके यस अंदर, इस चैप्टर के अंदर बहुत इजी चैप्टर है, बस ये चीज ये रूल फॉलो जरूर कर लेना जो यहाँ पे मैंने आपको समझाया है, ठीक है? रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन, वो जब हम सम करेंगे तब आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अब सबसे पहले हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 4 पीडीएफ बच्चे मैंने अभी भेजा है ग्रुप में, ठीक है? एक्सरसाइज 4, आज 3 दिन 6 7 8 जने ही आए हैं, कल थर्ड 5 जने, रहित के वहां पे थंडर स्टॉर्म आया है, चलो यहाँ पे देखो बच्चे, तो ये श्रुति, श्रुति यस सर। तो पहले तो उच्ची बोलना सीख, खाना नहीं देते घर वाले, फिर देते हैं। ओके उच्ची बोलो, सबको सुनाई देना चाहिए, ठीक सर। है? यहाँ क्या लिखा है, सॉल्व द इक्वेशन दिस वेयर एक्स इज दिस आल्सो प्रेजेंट दिस सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन, तो चलो पहले मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन, इन इक्वेशन क्या दी है हमें, 3x-11 लेस देन 3 दी है, वेयर एक्स हमें क्या दिया है, एक्स बिलोंग टू, ये बिलोंग टू का सिंबल होता है, ठीक है? दिस इज द सिंबल ऑफ बिलोंग टू, 1, 2, 3 up to 10, मतलब पॉजिटिव इंटीजर दिए हैं 1 से लेके 10 तक, ये दिए हैं हमें, ठीक है बच्चे? यस सर। सॉल्व करवाओ मुझे, क्या लिखूं? 3x इज लेस देन 3 प्लस 11। 3x less than, आह 15। हाय हाय, जो ओह 14 सर, 14। फर्स्ट क्लास में भी ना बिठाना पड़ जाए श्रुति तेरे को, नहीं सर, सॉरी सर, 14 डिवाइडेड बाय 3। इसको ना डेसिमल में चेंज कर लो, 3 4 12.26, 6 मतलब 6 7 के नियर अबाउट आ गया, ये आ गया। अब एक्स यस किसको बिलोंग कर रहा है, 1 से लेके 10 तक, अब यहाँ पे क्या बोला है, क्या आंसर आ गया हमारे पास, x less than 4.67, तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा हमारे पास, सर। इनमें से वैल्यू चूज करो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, 1 4.67 से लेस कौन कौन सी वैल्यूज हैं यहाँ पे,
वन टू थ्री एंड फोर, यही होंगी ना बेटा? यस सर, ये समझ आया बच्चे? यस सर, उन्होंने क्या बोला कि एक्स इनको इन वैल्यूज को बिलोंग कर रहा है, और ये हमारे पास कंडीशन दे दी, इक्वेशन इक्वेशन दे दी। पहले हमने सिर्फ एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स क्या आ गया, एक्स की तरफ लेस सिंबल है ना, लेस देन 4.67। यहाँ पे देखो 4.67 से लेस वैल्यू कौन कौन सी, ये है। अब इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पे क्या करेंगे, स्केल और पेंसिल से बच्चे, नॉट विद पेन, ऐसे एरो, ऐसे ओके एरो, 1 1 सेंटीमीटर पे ऐसे पॉइंट्स होंगे बेटा, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स डैश, एरो नहीं लगाए तो मार्क्स कट जाएंगे। यहाँ 1 2 3 4 5 भी ले लेते, यहाँ -1 -2 -3 -4। अब सॉल्यूशन सेट क्या था, 1 2 3 4 था ना, 1 पे डार्क डॉट, 2 पे डार्क डॉट, 3 पे डार्क डॉट, 4 पे डार्क डॉट, हो गया रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे। बस ऐसे करना है, ओके सर, समझ आया बेटा सबको, ऑल ऑफ यू? यस सर, यस सर, अर्नव, लेखना, नैन्सी, यस सर, रूहानियत, सत्यम, यस सर, सारिका, समझ ये आया, यस सर, सिंपल, बहुत इजी है। मतलब पहले ही बोला है बहुत इजी है, सिर्फ लाइन वाला पार्ट है ना नंबर लाइन पे, वो थोड़ा तंग करता है, बट अगर उसको अच्छी तरह समझ लेंगे ना तो बहुत इजी है। सेकंड सम हमें सारिका करवाएगी, ठीक है सारिका? ये रहा आपके पास एक सामने क्वेश्चन, सॉल्व 2 x -3 < 1, एक्स बिलोंग टू 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 up to 10। सारिका आवाज नहीं आई तेरी? यस सर, क्या लिखा है, 2 x -3 < 1, एक्स बिलोंग्स टू 1 2 3 4 up to 10। यस, क्या लिखूं बच्चे मैं यहाँ पे? सर 2x - 3x, नहीं सर सॉरी, 2x - 6 लेस लेस देन देन 1। वन, टू नेक्स्ट स्टेप, एक्स इज लेस देन 1 + 6 सेवन, 2x is less than and x is less than, एक्स इज लेस देन 7/2, x less than 3.7 5, को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 आ जाएगा ना। तो यस यहाँ सर, पे सॉल्यूशन सेट क्या बन गया, तो 1 2 3, वेरी गुड। और वही सेम नंबर लाइन ड्रॉ करके वो 3 1 2 और 3 को क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, 4 को नहीं करेंगे ना। करूं जल्दी से कर देता यस हूं, सर, ठीक है? वन पे डार्क, 2 पे डार्क, 3 पे डार्क, हो गया। थर्ड सम, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉल्व दिस वन। तो ये मुझे सत्यम जी करवाएंगे, ठीक है सत्यम? सत्यम कहाँ चला गया? यस सर, सॉल्व दिस, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल डब्ल्यू, दैट इज मींस होल नंबर, आल्सो रिप्रेजेंटेड सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पे क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, 5 - 4x ग्रेटर देन 2 - 3x, एक्स बिलोंग टू होल नंबर, आल्सो रिप्रेजेंट दिस सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। तो हाँ यहाँ पे क्या करूं बच्चे मैं, सर -4x + 3x और सेकंड साइड 2 - 5, ग्रेटर सिंबल नहीं बोलना आता सॉरी ऐसे ग्रेटर नहीं, सिंबल यहाँ पे 2 - 5, मतलब हमने बोलना कैसे है, -4x + 3x ग्रेटर देन 2 - 5। ग्रेटर देन 2 - 5, यहां से क्या आ और गया, सर -x,
ग्रेटर देन और माइनस थ्री, एक्स माइनस इज माइनस कट जाएगा सर, ना, ऐसे एक्स इक्वल काटना नहीं थ्री। है, यही चीज तो गड़बड़ होती है। ओके सर, एक्स इज लेस देन, लेस देन एक बार ऐसे कर दो, माइनस वन को नीचे ले जाओ, अब काट दो, क्योंकि अगर हम यहाँ पे काट देंगे ना तो ये सिंबल नहीं चेंज कर पाएंगे हम, समझे बच्चे। अब एक्स किसको बिलोंग कर रहा था, होल नंबर को, तो सॉल्यूशन सेट क्या आएगा बच्चे हमारा, बोलिए सत्यम। सर, 1 2 3 होल नंबर्स, जीरो इज आल्सो होल नंबर, थ्री से सर, लेस, यस सर, 1 2 तो 1 2 3 नहीं आएगा क्योंकि लेस सिंबल है ओनली, ग्रेटर देन इक्वल ओके नहीं है सर, साथ में, ये तीन वैल्यूज। इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, वही सेम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, 0 1 2 3 4, यहाँ पे एक्स ले लो, एक्स डैश -1 -2 -3, 0 को डार्क डॉट, 1 पे डार्क डॉट, 2 पे डार्क डॉट, हो गया, ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गए। ठीक है बच्चे, समझ आ गया। फोर्थ यस सर, यस सर। वन, रूहानियत, नाउ योर टर्न, यस सर, क्वेश्चन नंबर 4। लिस्ट द सॉल्यूशन सेट दिस, गिवन एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर। मैं यहां पे क्वेश्चन लिख रहा हूं, फोर्थ वन, एक सेकेंड बेटा, फोर्थ वन, लिस्ट द सॉल्यूशन सेट 30 -4, 2x - 1 लेस देन 30, ये एक्स इज अ बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है बच्चे, यस सर, बताइए मैं क्या लिखूं। 30 - 8x +4 लेस देन 30, 30 + 4, 34, थर्टी माइनस फोर एट एक्स माइनस 8x लेस देन 30, आगे, यस माइनस लेस देन 30 -34 -8x लेस देन -4। यहां पे बस ये चीज ध्यान रखना, माइनस को अभी नीचे नहीं लेके जाना, या अगर लेके भी जाना है तो सिंबल चेंज कर देना, अगर सीधा इकट्ठा -8 को नीचे लेके जाना है ना तो ये ग्रेट लेस देन सिंबल ग्रेटर में चेंज कर देना, ये भी ठीक है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, एक्स इज ग्रेटर देन हाफ, तो इसको क्या करेंगे हम, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम नंबर लाइन पे सर, 0.5 बच्चे। एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर, हाफ से ग्रेटर, सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा। सर, हाँ सर कहाँ तक बोलना है, 1 2 3 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक आएगा ना यस सर, कि नहीं, यस सर, बट इसको उन्होंने बोला ही नहीं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, लिस्ट द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस गिवन दैट एक्स इज अ पॉजिटिव, अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए बोला होता तो करते, अब इसमें हम नहीं करेंगे। ठीक है बच्चे, यस यही हमारा सॉल्यूशन सर। सेट है सर ये बस। इंफिनिटी वाला समझ नहीं आया सर, मतलब सॉल्यूशन से एक्स एक्स ग्रेटर देन हाफ का मीनिंग क्या हुआ सत्यम, हाफ हाफ से ग्रेटर ग्रेटर, हाफ का मतलब क्या हुआ, हाफ एक्स इज ग्रेटर देन 0.5 ना, 0.5 सर, से ग्रेटर कौन कौन से इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हैं, वन भी ग्रेटर है हाफ पॉइंट फाइव सर से, यस टू सर, बी, थ्री बी, फोर बी, फाइव बी, सिक्स टू बी, बी सेवन टू बी, एट यस बी, सर, नाइन बी, हाँ अप टू तो ऑलमोस्ट सारा ही है, मतलब सारा ही है इंफिनिटी उसके बाद सारे, तक। इसलिए यहाँ पे ये यस सॉल्यूशन हाँ सेट हो गया। ओके सर, ओके सर, समझ आया बच्चे। यस सर, फिफ्थ वन,
नैन्सी। यस हाँ जी मोटी, यहां देख क्या सर, लिख रहे हैं, 2x-2 लेस देन 3x-2, और घबराया मत कर, ठीक है नैन्सी, कोई ओके सर, बात नॉर्मल लेके चला कर, ये मत सोचा कर हाय गलत हो गया तो क्या हो जाए, यहाँ पे गलत हो जाएगा तो जो कुछ मर्जी हो जाए कुछ नहीं होगा, है ना। यस सर, एक्स इज बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, -3 -2 -1 0 1 2 3। तो यहाँ पे फिफ्थ सम, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, 2x-2 लेस देन 3x-2, एक्स बिलोंग्स टू -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3, ये है बच्चे हमारे पास। बोलिए क्या लिखूं। सर 2x-4 सर, फिर उसके बाद 3x-2, ये कौन सा सिंबल है? यस सर, सर लेस देन 3x-2, अब सर 2x-3x, सर लेस देन 4-2, -4-2, ओके सर, -2+4, वो अपनी प्लेस पे रहने सर दो, देखो तेरी मिस्टेक्स यही होती है क्योंकि तू उसको पहले लिखना शुरू कर दे। -2 को अपने प्लेस पे रहने दो, 4 उस साइड जाके प्लस हो गया, यहाँ क्या आ ओके गया, सर, सर वहां पे -x, सर लेस देन सर -2, सर -2 -1, सर -x लेस देन -2, -2 आएगा कि +2 आएगा बच्चे, सर माइनस का है ना साइन, तो माइनस प्लस माइनस, -2। हाँ फिर माइनस हो गया, पर बड़ा टर्म कौन सा है, प्लस का है ना, ओके सर, 4 में से 2 माइनस किया 2 आएगा, बट किसका आएगा, प्लस का आएगा ना, ओके क्योंकि सर, तो बिगर टर्म, हाँ 2 प्लस का होता, 4 माइनस का होता, फिर -2 आता। अब एक्स क्या आएगा, एक्स इज ग्रेटर देन -2, तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट -4 भी -2 है सर, कौन एक्स कौन सा, बिलोंग्स टू एक्स ये है बिलोंग्स टू 1 और सर 2, -2 से ग्रेटर वैल्यू बच्चे, ये सर सॉल्यूशन माइनस सेट है ना, टू -2 हाँ से सर ग्रेटर वैल्यू कौन कौन माइनस, सी है, सर -1 और 0 और सर और 1 2 3 4, 4 तो है ही नहीं, ओके सर, 3 तक ही है ना दिया हुआ हमें बच्चे, हमने इनमें वैल्यूज में से ही देखना है कौन सा है, तो ये वाली वैल्यूज ही है, ओके -1 0 1 2 3, ये सॉल्यूशन सेट। रिप्रेजेंट बोला है इन्होंने करने के लिए, नहीं बोला तो हम नहीं करेंगे। सर, किसी को डाउट हो बेटा इसमें, नो वन, नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 6, यस मीमांसा। सर, तो पहले अपने नाम की प्रोनाउंसिएशन कर, मेरे को ना ऐसे लग रहा है मैं गलत बोल रहा हूँ, नहीं सर, सही बोल रहे हैं, मैं मानसा, मीमांसा। ओके यस अब यहां पे देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन इज इफ एक्स इज अ नेगेटिव इंटीजर, अब एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, नेगेटिव इंटीजर को, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस, इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है हमें। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, 2/3 + 1/3 x + 1 > 0। नैन्सी सारे क्वेश्चन में तेरे से पूछ लेता हूँ, ओके सर सर, तू जी सबकी टर्न आएगी बेटा, कोई बात नहीं तेरी भी फिर से आ जाएगी, ठीक है, आज तो कम ही हो तुम, 7 जन ही हो। ओके हाँ जी बेटा क्या लिखूँ, 2/3 + x/3 + 1/3 ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन 0, अब इन टू तीनों का प्लस एलसीएम, एलसीएम ले लो बेटा ज्यादा सही रहेगा, सेम ही आ जाएगा ना, क्योंकि नीचे यस तीनों के नीचे 3 था। अब क्या लिखो मीमांसा, 3x/3 इज ग्रेटर देन 0,
अगले स्टेप में पहले थ्री को उस साइड ले जाओ, थ्री प्लस एक्स ग्रेटर देन जीरो इंटू थ्री, थ्री प्लस एक्स क्या आ गया, जीरो इंटू थ्री जीरो आ गया, और एक्स की ग्रेटर देन किससे आ गया, हाँ -3 जीरो माइनस थ्री, माइनस थ्री हो जाएगा ये। अब उन्होंने नेगेटिव इंटीजर बोला था तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर। बोलिए बच्चे। -2 -1 मीमांसा नेगेटिव में जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी होती है ना, हमारी मीमांसा ने बिल्कुल सही बताया, -3 से ग्रेटर -2 और -1 हो गए। ठीक है ना बच्चे, पता है ना सबको, बोलो यार इतने निकम्मे हो, बोल तो दिया यस करो हाँ या ना, सर, यस सर, ये पुराने बच्चे ना याद करवाओ तुम, पुराने बच्चे याद आ जाते हैं जब तुम नहीं बोलते तो। एक्टिव हो थोड़ा सा। मीमांसा की बात लेखना, यस सर, तूने एवी क्यों डाला हुआ है साथ में, लेखना एवी, सर माय इनिशियल सॉरी सिट्स माय इनिशियल पता नहीं क्या बोल गई, सर, वो 6 -8 बोल रही है। नहीं मैंने ये पूछा इसके नाम में एवी लिखा हुआ है। ओ सर, इट इज माय फादर नेम एंड माय मदर नेम। ओके सेवन सम, सॉल्व एक्स माइनस थ्री इंटू दिस ग्रेटर देन दिस, एक्स बिलोंग टू दिस आल्सो रिप्रेजेंट इट्स सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले एक्स माइनस थ्री टू प्लस एक्स ग्रेटर देन टू थ्री एक्स माइनस वन, एंड एक्स किसको बिलोंग कर रहा है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू टू यहां तक। यस बच्चे, यस व्हाट आई हैव टू राइट सर, डाउन हियर, एक्स माइनस 6 -3x इज ग्रेटर देन 6x -2 नाउ एक्स माइनस थ्री एक्स इज, सर, 2x भूख लगी है, सर, -2x -6 6x-2 माइनस सर -6 ना जब हम सब सारे सम्स में बच्चे इस साइड कर रहे हैं तो इसी साइड लेके आओ ना, वो भी ठीक ओके था जो आप कह रहे थे, दैट इज आल्सो करेक्ट, बट जहाँ ये ज्यादा बेटर रहेगा, ओके सर, बाकी कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। -2 +6 यहाँ पे सर, -8x +6 +4 एंड एक्सेस एक्स इज लेसर देन 4 by -8 फोर टू जा एक्स डेसिमल में चेंज कर लो, -0.5 आ जाएगा। यस सर, तो यहां पे एक्स इज लेस देन -0.5, सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, सर माइनस माइनस जीरो 0.5 से लेस वैल्यूज कौन कौन सी है यहाँ पे, सर 1 -0.5 से लेस वैल्यूज बच्चे, सर, -1 -2 and -3 क्योंकि 0 और -1 के बीच में लाई कर रहा है -0.05, उससे यस लेस सर, वैल्यू है ये सारी। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, वही सेम प्रोसेस, 0 -1 -2 -3 -4, यहाँ पे एक्स डैश, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे 1 2 3, -1 -2 और -3 को डार्क कर देंगे, हम डार्क डॉट लगा देंगे, हो गया रिप्रेजेंट। समझ आ गया बच्चे, श्योर यस यस सर, नाउ सेवन सम
अर्नव, यस सर। नहीं सेवन तो अभी किया है, एट सम, सॉरी। एक्स बिलोंग टू दिस, सॉल्व दिस, क्योंकि बहुत इजी वाले सम नहीं है इसलिए मैं सारा उस, देखो मैंने तो कुछ करवाया ही नहीं, अब सब कुछ आपसे ही पूछ रहा हूं। एक्स किसको बिलोंग कर रहा है? 1 2 3 4 5 6। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन नाइन, यहाँ पे बोलो बच्चे क्या लिखूं। यस सर। एक्स माइनस टू एक्स इज लेस देन माइनस वन प्लस थ्री, माइनस एक्स इज लेस देन टू, तो एक्स इज ग्रेटर देन टू, थ्री तो सॉल्यूशन सेट, फोर फाइव सिक्स सेवन नाइन। फंसा नहीं जाल में तू। ये था एट, बोलेगा एट इसमें नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं आएगा बच्चे, समझ गए? यस सर। किस किस के माइंड में आया था 2 3 3 4 5 6 7 8? एट किस किस के माइंड में आया था बोलो बच्चे, आया था किसी के माइंड में कि एट भी आएगा? नो सर। नहीं, पक्का झूठ नहीं बोला? सर अगर ऐसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? ये ले, करना ही है रिप्रेजेंट, बोला है उन्होंने? नहीं बोला। अगर नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना होता, थ्री को डार्क कर देंगे, फोर को डार्क कर देंगे, फाइव को डार्क कर देंगे, सिक्स को डार्क कर देंगे, सेवन को डार्क कर देंगे, नाइन को डार्क कर देंगे, सर एट को एट नहीं ऐसे करेंगे। छोड़ना है ना, या एट स्किप कर सकते हैं? ऐसे कैसे कर देगा तू? भूख ऐसे ये लग, कंफ्यूजन था मेरे को लगता है भूख लगी है ना, मम्मी की डांट नहीं पड़ी काफी दिन हो गए, अभी सर, अभी पढ़ी थी। पड़ी थी। एट जब है ही नहीं बच्चे इसमें, तो एट को डार्क नहीं करना, एट ऐसे ही रहेगा, ओके सर। ठीक है बच्चे? अगर नंबर लाइन पे एक्सक्यूज रिप्रेजेंट मी करना हो तो। सर, हाँ जी बेटा, सर ये एक्स इज ग्रेटर देन माइनस टू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो माइनस एक्स था ना। ओहो हो यार अर्नव, गलत करवा दिया तूने भाई, सर सारी मैं भी वैल्यूज ही यही आएंगी, सोच रहा था, माइनस टू करना। सारी वैल्यूज ही आएंगी बेटे। मैंने भी नहीं देखा, मैंने कहा ये सही करवाया होगा इसलिए। मोटू गलत करवा दिया, माइनस उस साइड भी जाएगा तो सिंबल चेंज हुआ, माइनस टू आएगा ना। जैसे वो साइन के कन्वर्जन के चक्कर में से वो मैं वही माइनस लगाना भूल गया वहां पे। मैंने भी भरोसा कर लिया तेरे पे, देख ले तोड़ दिया तूने मेरा भरोसा। चल कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, इंसान गलतियों का पुतला है ना। नाइन्थ वन, श्रुति, यस सर। समझ तो आ रहा है ना बच्चे सब कुछ? यस सर। पक्का? यस सर। नाइन्थ में ऑफलाइन ट्यूशन थी तेरी, यस सर। सर वहां से ज्यादा समझ आ रहा है कि कम आ रहा है? झूठ ज्यादा समझ आ रहा है? नहीं बोलना, देख लेना, नहीं सर, सही में। और टाइम भी बचता है ना, आधा घंटा यस जाने सर। में आधा घंटा आने में, वही 2 घंटे की क्लास हो जाती है हमारी। नाइन्थ समिटा, लिस्ट द सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट लिखना है, वो हम हमने हर एक सम में लिखा है। एक्स बिलोंग टू जेड, जेड का मीनिंग क्या होता है श्रुति? सर इंटीजर। वेरी गुड, चाहे आई डाला हो चाहे जेड डाला हो, दैट इज इंटीजर। हियर व्हाट आई हैव टू राइट डाउन, वन बाय टू प्लस थ्री ना बाय टू, ना ना ना, ओ 8x माइनस 5x ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन माइनस 3/2 माइनस 1/2। यस, बोलिए, यस, तो 3x
ग्रेटर देन, यहाँ पे टू एलसीएम है, माइनस, यस सर, माइनस 3 माइनस 2 क्या आएगा? माइनस 4/2, ये कट हो गया, 3x इज ग्रेटर देन माइनस टू आ गया, यस सर, एंड x इज ग्रेटर देन, माइनस 2/3, यस। इसको डेसिमल में कर लो बेटा, ओके सर, 0.66, मतलब 6666 डॉट 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 ऐसे आएगा, या 6 7 भी लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट। तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा? -0.6 से ग्रेटर इंटीजर कौन सा है? -1 चांटा खाना है? सर, -0.6 यहाँ पे होगा है ना, तो इस साइड ग्रेटर होगा कि इस साइड ग्रेटर होगा इस पॉइंट से? तो राइट साइड 0, राइट साइड में 0 है कि -1 है? चलो हो जाती है गलती, ये सॉल्यूशन सेट है बेटा, और रिप्रेजेंट नहीं करना था इसको, तो ऐसे रखेंगे। ठीक है, ओके सर, नाइन सम समझ आ गया बच्चे? नैन्सी समझ आया बेटा? नैन्सी मुट्ठी सो तो नहीं गई? नैन्सी ये पक्का खाने चली गई खाना? यस सर, नहीं सर, खाना यही फिर पूछ बोल क्यों नहीं रही? सर, आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही थी। मुट्ठी तेरी आवाज नहीं सुनती ना, मेरे को खाना हजम नहीं होता, समझी? सर ऐसी बात है सर, हाँ कोई बात नहीं, मैं अपनी क्लास में आप चलाया करूंगी। वेरी गुड, पीजी वाली सारी लड़कियों को उठा दिया कर, चीख ओके सर, मारा कर जोर से। ओके सर, मजाक कर रहा हूँ, सच में मत मारने लग जाना। चलो सारिका बताइए बच्चे मैं क्या करूँ? यस सर, सर 11 -2x/5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 -3x+6/8। अगर बच्चे मैं इसको ऐसे कर लूं ज्यादा बेटर नहीं रहेगा? देखो वो भी ठीक है, वो गलत नहीं है, बट ये ज्यादा बेटर हो जाएगा, समझे बच्चे? यस सर, ऊपर दो टर्म है एक नीचे है, 11/5 -2x/5, 9/8 -3x/8 +3/4। अब क्या करें, एक्स वाली टर्म्स एक साइड पे और दूसरी टर्म्स दूसरी साइड पे, -2x/5 -3x/8 इस साइड थ्री आके प्लस हो अपॉन गया, एट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9/8 +3/4 -11/5। वेरी गुड। अब यहां पे एलसीएम ले, कितना एलसीएम? 40 आ गया। क्या लिखूं? पूछ सर -16x रही है कि बता रही है? सर, दोनों दोनों यहां पे 15x ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां पे तीनों का एलसीएम ले, क्या आएगा? 40। एट फाइव, 5 9 45, 4 10 10 3 30, 5 8 8 11 88, यहां से क्या आ गया हमारे पास? -x/40 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 75 -88 75 -88 थर्टी कितना आएगा? -13 हाँ, अपॉन 40, थर्टी माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू -13/40 इनटू 40, ये 40 ऊपर चला जाएगा, 40 से 40 कट। अब एक्स क्या आएगा? एक्स लेस देन इक्वल्स टू -13 सर, माइनस नहीं लगेगा? ये माइनस उस साइड जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? हाँ सर, देखा नहीं था मैंने। अच्छा क्या पूछा है इन्होंने? सॉल्यूशन सेट ही पूछा है, तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा? 13 से लेस और इक्वल, सर नेचुरल वन नंबर। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12
कहाँ तक? ट्वेल्व सर, ट्वेल्व सर 13 होगा ना, क्योंकि सर सॉरी 13 के इक्वल भी हो सकता है। ये सिंबल क्या है सारिका? साथ यस में लेस यस देन और इक्वल टू तो 13 तक आएगा ना। सर, गलती नहीं करनी आगे से। तो एक काम करो, आज अब 10 समी करो, ठीक है? एक्चुअल में आज मैंने 9th का बैच स्टार्ट करना है, तो मैंने पीडीएफ भेजा नहीं है, मुझे 5-7 मिनट उसके लिए चाहिए। ओके ओके सर, ओके चलो सर, ठीक है बच्चे, कल 9 o'clock मिलते ओके हैं। 9 o'clock हम 4th चैप्टर सेलिना में से शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओके सर, ओके सर, थैंक थैंक यू, यू, बाय बाय।